नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी जीडी की फाइनल कट ऑफ को लेकर। कितने नंबर आपके फिजिकल की कट ऑफ से ज्यादा हैं तो आपका जो सिलेक्शन है वो कंफर्म हो जाए कि आप जो फाइनल जो कट ऑफ है उसको क्लियर कर ले। सो आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम इसी के ऊपर बात करेंगे। हालांकि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर कुछ आइडिया आपको दे दिया था, फिर भी बच्चों के बहुत सारे डाउट आ रहे थे कि सर मैं इस स्टेट से हूं, इस कैटेगरी से हूं, मेरा सिलेक्शन होगा नहीं होगा, सर प्रीवियस ईयर से आपने कंपेयर नहीं किया। तो आज की इस वीडियो में सारी चीजें हम यहां पर करने वाले हैं, बस वीडियो को एंड तक आप जरूर देखना। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों ने जिन्होंने भी फिजिकल के जो कट ऑफ है उसको क्लियर कर लिया है, उनके मन में कहीं ना कहीं चल रहा होगा कि यार मैं फाइनल कट ऑफ क्लियर कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, या फिर मैंने बस फिजिकल की कट ऑफ कर ली, अब मुझे कितने नंबर ज्यादा चाहिए कि मैं फाइनल कट ऑफ में भी अपनी जगह जो है वो बना लूं। ऐसे में आप बार बार प्रीवियस ईयर की कट ऑफ है उसे भी कंसीडर कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम प्रीवियस ईयर की जो कट ऑफ थी एक बार उसमें और जो करंट ईयर है जो ये वाला जो एग्जाम है इसमें देखेंगे कि क्या कुछ चेंज आपको यहां पर देखने को मिला। तो अगर मैं बात करता हूं प्रीवियस ईयर की कट ऑफ और यहां पर मैं करता हूं करंट ईयर की जो कट ऑफ है उसके अंदर, सो प्रीवियस ईयर का जो एग्जाम था उसके अंदर सबसे पहले क्या था, जो नेगेटिव आपकी मार्किंग थी, ठीक है, जो नेगेटिव मार्किंग थी वो नहीं थी। और यहां पर जो इस बार था जो नेगेटिव मार्किंग आपकी थी वो यहां पर थी, ठीक है। दूसरा डिफरेंस प्रीवियस ईयर से और इस बार से क्या देखने को मिला, दूसरा जो डिफरेंस था वो था जो एग्जाम का लेवल था उसमें वो आप मॉडरेट कह सकते हैं, लेकिन इस बार वाला जो था एग्जाम का लेवल वो डिफिकल्ट था, और मॉडरेट आप या डिफिकल्ट आप दोनों कह सकते हो, डिफिकल्ट भी था और मॉडरेट भी था, इजी वाला कोई सीन नहीं था, ठीक है। सो ये दो डिफरेंस थे जो प्रीवियस ईयर से और इस ईयर के अंदर आपको देखने को मिला था, और ये दोनों ही फैक्टर ऐसे थे जो आपकी कट ऑफ को डिसाइड करने में सबसे बड़ी भूमिका भी निभाते हैं, ठीक है। सबसे पहले कैसे निभाते हैं इस चीज को आपको समझना होगा। देखिए, 100 नंबर के पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सो आपने क्या किया, 100 में से 100 सवाल आप अटेम्प्ट यहां पर करके आए, ठीक है। इसमें से आपके, मैं मानता हूं जो आपको सवाल आते थे, फॉर एग्जांपल आपको 80 नंबर का काम आता था, ठीक है, यहां पर 80 नंबर का काम था, 20 जो थे वो आपने क्या खेला, हिट एंड ट्रायल खेला, तुक्के मारे, ठीक है, और इस 20 में से आपके 6 सही हो गए, 7 सही हो गए, तो आपके नंबर यहां पर क्या हो गया, 87 नंबर हो गए आपके, ठीक है। लेकिन और एग्जाम का जो लेवल था वो भी आपका मॉडरेट था, कि आप जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स थे वो आप 80 तक आराम से पहुंच रहे थे, ठीक है। इस बार वाले ईयर के अंदर क्या कुछ डिफरेंस था, इस बार वाले के अंदर नेगेटिव मार्किंग थी और नेगेटिव के साथ ही आपका डिफिकल्ट वाला जो एग्जाम का लेवल था वो डिफिकल्ट था। सो आप ऐसे में डिफिकल्ट में आपका क्या हुआ, जो यहां पर नंबर ऑफ अटेम्प्ट आप 80 करके आ रहे थे वहां पर जो एवरेज स्कोर आपका हुआ ना वो 65 से 70 नंबर ही आपका सिमट कर रह गया, ठीक है, और इवन कुछ शिफ्ट में तो ये 60 भी पहुंच गया, 55 से 60 भी, ठीक है। सो जो एवरेज स्कोर जो हमने माना वो आपका मान के चले 60 से 70 के बीच में एवरेज स्कोर आपने किया, ठीक है। अब 60 से 70 के बीच में आपने क्या किया, बच्चों ने मान लो 70 नंबर का यहां पर काम किया, ठीक है, अब उसके बाद 30 नंबर का जो काम बचा हुआ था इसमें से जो स्टूडेंट्स थे जिन्होंने पिछली बार एग्जाम में अपीयर हुए थे उनका जो एक प्री प्लान माइंडसेट था कि आपको 100 में से 100 ही करने हैं, उन्होंने इस चीज को कंसिडर किया ही नहीं, ठीक है, उन्होंने जो पीछे से जो खेलते आ रहे सेम चीजें उन्होंने कंसिडर की और वो पूरे के पूरे अटेम्प्ट करने पर उन्होंने फोकस किया, बट यहां पर जो उनके नंबर इंक्रीज होने थे वो नेगेटिव की वजह से, मान लो मैं कहता हूं 70 एक बच्चे ने किया और जो नंबर बढ़ने थे वो यहां से घटकर आपके 68-65 इतने ही रह गए, ठीक है। और ये दोनों जो फैक्टर थे इसी की वजह से जो कट ऑफ का डिफरेंस था वो आपको देखने को मिला, कि यहां पर कट ऑफ भी हाई थी और इस बार की कट ऑफ लो आ गई, ठीक है। बहुत सारे बच्चे जो क्लेम कर रहे थे कि मैं 80-85 करके आया हूं, उन सब की भी यहां पर हवा निकल गई और यहां पर पता लग गया कि एवरेज स्कोर यही है, वो सिर्फ ख्याली पुलाव थे आपके, ठीक है। सो यहां पर प्रीवियस ईयर से जब आप कट ऑफ को कंपेयर करते हैं सो यहां पर इन दोनों फैक्टर्स को भी आपको ध्यान में रखना होगा, कि आप सिर्फ प्रीवियस ईयर को उठा के यहां पर कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि जो अगर आप यहां पर जब दोनों को तराजू में तोलेंगे
ठीक है, तो जब तराजू के अंदर तोलेंगे तो आपके पास दोनों चीजें बराबर होनी चाहिए, लेकिन यहां पर आपके पास हर चीज इजी है और यहां पर डिफिकल्ट है, सो आप इन चीजों को बैलेंस नहीं कर सकते। बट यहां पर आप एक आइडिया ले सकते हैं कि आपकी कट ऑफ जो है वो अप्रोक्सीमेट हम कितना बढ़ा या घटा सकते हैं, ठीक है। चलिए अब प्रीवियस ईयर की मैं एक एग्जाम्पल लूंगा, बहुत सारे मैं एग्जाम्पल यहां पर नहीं लूंगा, मैं सबसे पहले जो हाईलाइटेड एरिया है, हाईलाइटेड स्टेट्स हैं जो हमेशा कट ऑफ में हाई रहते हैं, तो वहां पर मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूं आपका यूपी का, ठीक है। एक मैंने एग्जाम्पल आपका ले लिया, यूपी का मैं ले लेता हूं। यूपी के अंदर अगर मैं कहता हूं ओबीसी कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी की जो फिजिकल के लिए कट ऑफ गई थी वो आपकी अप्रोक्सीमेट 76 या 77 नंबर के लगभग गई थी आपकी, ठीक है। 76 या 77 के करीब इतना कुछ गई थी, ठीक है। और जब ये थी आपकी फिजिकल के लिए, ठीक है, फिजिकल के लिए आपकी कट ऑफ गई थी यहाँ पर। और अब की और जब ये फाइनल कट ऑफ गई, जब आपकी फाइनल कट ऑफ गई तो वो अप्रोक्सीमेट आपकी 82 नंबर के करीब, ठीक है, 82 नंबर पर आपकी गई थी एक पोस्ट के लिए। ये किस पोस्ट के लिए थी आपकी? आई थिंक असम राइफल के लिए थी आपकी, ठीक है, असम राइफल जो है उनके लिए ये आपकी गई थी। तो यहां पर 76 या 77 नंबर था और यहां पर अब आपकी कितनी हो गई? 82, 78, 89, 80, 81, 82। सो आप यहां पर कह सकते हो 5 या 6 नंबर आपकी इंक्रीज हुई थी, ठीक है, कट ऑफ यहां पर, ठीक है। सेम अगर मैं अगर अनरिजर्व की बात करूं तो उसका भी जो गैप था वो 6.5 के समथिंग आपको अनरिजर्व के अंदर देखने को मिला था, फाइनल कट ऑफ के अंदर 5 के करीब इसमें देखने को मिला था, ठीक है। देखिए जो प्रीवियस ईयर की जो कट ऑफ थी उसके अंदर मैंने आपको दो चीजें बताई थी, नेगेटिव नहीं था, एग्जाम इजी टू मॉडरेट था, ठीक है, आपके पास एडवांटेज था, आप 100 में से 100 अटेम्प्ट करो, आपके जितने तुक्के सही लग रहे हैं वो आपके नंबर को बढ़ा रहे हैं और आपके स्कोर कार्ड में ऐड हो रहे हैं, ठीक है। बट इस बार क्या हुआ, अगर आपने तुक्का खेला गलत होता है तो आपके नंबर घट रहे हैं, साथ में एग्जाम का लेवल भी डिफिकल्ट था, बच्चों को दिक्कत आई, एवरेज स्कोर 60 से 70 के बीच में सिमट के रह गया, ठीक है। सो जब इतना सब कुछ चीजें आपके पास थी प्रीवियस ईयर के अंदर, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको सीआरपीएफ चाहिए, सीआईएस चाहिए, आपको आईटीबीपी चाहिए, कोई भी एक नौकरी के लिए, ठीक है, प्रायोरिटी क्या है, एक नौकरी मिलनी चाहिए, चाहे वो असम राइफल्स मिले, आईटीबीपी मिले, एसएसबी मिले, कुछ भी मिले आपको, एनी वो मैटर नहीं करता, बट आपको जॉब मिलनी चाहिए। सो यहां पर अगर मैं सबसे एक आपके लोवेस्ट अगर देखता हूं तो असम राइफल्स के लिए आपकी 82 यहां पर गई है, ठीक है। आपने अपनी जॉब सिक्योर कर ली, जिस भी बच्चे के 5 नंबर ऊपर थे उसका गवर्नमेंट जॉब का सपना पूरा हो गया, अपने घर को सपोर्ट करने का सपना पूरा हो गया, बाद में वो आगे कहीं तक जाए स्विच करे वो बात की बात है, ठीक है। सो जब इतना सब कुछ था, एग्जाम इजी था, नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, बच्चे अटेम्प्ट्स ज्यादा कर रहे थे, आउट ऑफ 100 हर बच्चा कर रहा था, लास्ट का टाइम पीरियड के अंदर आप सब कुछ कर रहे थे, 100 सारे अटेम्प्ट करके आ रहे थे, ऐसे में जब आपकी कट ऑफ 6 नंबर या 7 नंबर तक इंक्रीज हो रही है, सो आप कंपेयर करके मुझे बताइए कि इस करंट ईयर के अंदर आपकी नेगेटिव मार्किंग थी, पेपर हार्ड था, कट ऑफ जो फिजिकल की है आपकी, ठीक है, कट ऑफ जो फिजिकल की है वो लो है आपकी इस बार के लिए, ठीक है। सो ये तीनों फैक्टर होने के बाद अगर मैं कंपेयर भी करता हूं, सो आप कितना कहते हो कि आपकी जो फाइनल कट ऑफ है, फाइनल कट ऑफ जो है वो कितने नंबर तक ऊपर चली जाएगी? सो इन सारी चीजों को अगर मैं यहां पर 5 से 6 नंबर या अनरिजर्व के लिए मैं 6 साढ़े 6 नंबर अगर मैं कंसिडर करता हूं और इन चीजों को जब मैं यहां पर डिफिकल्टी लेवल से कंपेयर करता हूं, सो यहां पर मैं कह सकता हूं कि अगर आपके किसी भी शिफ्ट के अंदर 5 या 5 के करीब जो नंबर है 5+ हैं तो आप 100% सेफ हैं, अगर 5+ हैं, अगर आपके 5 के आसपास हैं, मतलब 4-5 के बीच में हैं, तो भी आप बिल्कुल आप अपने आप को क्या कह सकते हो, एज ए रेस का हिस्सा, एज ए सेफ मानकर आप तैयारी को बिल्कुल 100% देने की कोशिश कीजिएगा। इवन कुछ आपके अगर कम भी हैं, मान लो आप 3, 4, 5 हैं, तब भी आप इस लेवल को देखते हुए अपनी तैयारी को, 3 वाला भी लेवल पे तैयारी पे ध्यान देगा, 4 वाला और अच्छा देगा, 5 वाला बिल्कुल ध्यान देगा, और 5+ वाला जिसके 6 हैं 7 हैं वो अपने आप को बिल्कुल माइंड सेट करके कंसिडर कर सकता है कि भाई मेरा तो सिलेक्शन होना ही होना है, मुझे फिजिकल की वजह से बाहर नहीं होना है, ठीक है।
तो इन सारी चीजों को आप कंसीडर यहां पर कीजिए। दोनों मैंने आपके सामने कंपैरिजन किए हैं कि वहां पर सब कुछ होते हुए भी जब आपकी 5 से 6 नंबर के करीब, ये प्रीवियस ईयर की 18 या 19 वाली आपकी है, ठीक है, तो इसके अंदर जब आपकी 5 से 6 नंबर के करीब जा रही है कोई भी पोस्ट के लिए, चाहे वो लोअर हो चाहे आपको ऊपर वाली पोस्ट जिसकी ज्यादा हो, लेकिन आपको नौकरी मिल गई, सो सेम चीजें यहां पर भी है। आपका मेन मोटिव क्या है? मुझे जॉब चाहिए, ठीक है। आप पोस्ट के लिए तब देख सकते हैं अगर आपके 11 नंबर प्लस हैं, आपके 12 नंबर प्लस हैं, तो आप सोच सकते हो कि मेरे पास चॉइसेस होनी चाहिए कि मैं कौन सी करूं। बट आप हो ही 6 नंबर पे या 7 नंबर पे खड़े हो या 5.5 पे खड़े हो, देन आपके पास माइंडसेट होना चाहिए कि फर्स्ट आई नीड जॉब, देन मैं उसके बारे में कुछ सोचूं। तो यहां पर आपको चाहे कोई भी पोस्ट मिले, चाहे लोअर से चाहे हायर से जिसमें कंपटीशन ज्यादा है, बट अगर आपके 5 प्लस नंबर हैं आप 100% उस चीज को करेक्ट कर जाओगे, ठीक है। इवन हो सकता है आप अच्छी पोस्ट के लिए भी आगे पहुंच जाओ अगर आपके 5 प्लस से 6 प्लस 7 प्लस नंबर हैं, 8 प्लस नंबर है, और अगर आपके 5 के आसपास है तो भी आपको जॉब जरूर मिल जाएगी, ये गारंटी है यहां पर, ठीक है ना। सो यहां पर ये कंप्लीट एक एनालिसिस, एक कंप्लीट आपके सामने मैंने ये पूरी चीजें रखी हैं, एक एक चीज आपको समझाई है, और यहां से आप खुद कंपेयर कर सकते हैं कि क्या क्या डिफरेंसेस हैं जिसकी वजह से आपकी जो फाइनल कट ऑफ है वो भी कम रहेगी, क्योंकि यहां पर फिजिकल की कट ऑफ जो है वो ऑलरेडी यहां पर लो है, ठीक है। सो यहां पर आप मान सकते हो 5 नंबर या 6 नंबर के करीब आप अनरिजर्व के अंदर मान सकते हो, 4-5 नंबर के करीब, 5.5 नंबर के करीब ओबीसी मान सकते हो। तो यहां पर ये सारी चीजें हैं। तो अगर आपके पास आप 4-5 की रेंज में हो बहुत बढ़िया है, 5-6 की रेंज में हो बहुत बढ़िया है, और 6-7 की रेंज में हो तो सुपर आपके लिए बढ़िया है वो चीजें, ठीक है। सो यहां पर ये सारी चीजें मैंने आपके सामने कंपेयर कर दी है। होप सो ये सारा एनालिसिस ने आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए होंगे। फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको जवाब देने के लिए। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही, मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।